where joining us for his first television interview, the mastermind of the Uttar Pradesh campaign, the man who delivered the virtual impossible, the man who scripted an electoral miracle, Amit Shah, is joining us. But before that, I want to show you what the current situation in Uttar Pradesh is. There are 80 seats in Uttar Pradesh. Remember, the BJP picked up 57 at its peak. That included the 5 seats of Uttarakhand. Now, they're at 73, a mind-boggling 63 seats more than what they got the last time. Everyone else has been decimated in Uttar Pradesh. The Congress and Ajit Singh are down to 2, down 24 from last time. The Samajwadi Party is down to 5, down 18 from last time. The BSP is 0. 0, would you believe that? Who would have thought that this would have happened? The Bahujan Samaj Party at 0. They've lost all the 20 seats they were sitting on. You've got the Samajwadi Party at 5. Amit Shah is joining us from the BJP headquarters. Amit Shah Saab, swagat hai aapka. Headlines today par, aaj tak par. इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? आपने चुनावी इतिहास रचा है, करिश्मा करके दिखाया है, ऐसे गंभीर लग रहे हैं जैसे आपकी हवाइया उड़ी हुई, जैसे हार गए हो, आपको तो मुस्कुराना चाहिए। चलिए, मैं कम ही मुस्कुराता हूँ। मुझे एक सच्ची बात बताइए अमित शाह साहब, क्या आपको उम्मीद थी कि 73 सीटें 73 सीट आएंगी आपकी उत्तर प्रदेश में? पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कभी आपको लगा कि 73 का तो अंदाज नहीं था, मगर जब 55 के ऊपर हम चले जाते हैं, 50 के ऊपर चले जाते हैं, तो कारपेट बॉम्बिंग की तरह पूरा वेव जाता है और बाद में कुछ भी कर सकता है। मगर मैं संभल कर 50 के 55 के बीच में बोलता था। नहीं 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 सर, क्योंकि हमने आपसे कई मर्तबा बातचीत की, मुलाकात की, आप 50 55 ज्यादा से ज्यादा 60 बोलते थे, 73 का कभी आपने जिक्र नहीं किया। मान लीजिए आज कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसी लॉटरी, ऐसी बोनांजा दी जो आपने भी नहीं सोचा था कभी कि होगा। नहीं, मैंने कहा ना कि भाई 73 का कभी नहीं सोचा था, मगर 55 के ऊपर जाते हैं तब कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ आखिरकार कि पूरा ऑपोजिशन साफ हो गया, बाकी बीएसपी का तो खाता ही नहीं खुला? आपको लगा था कि इतनी दुर्दशा होगी? आपने कहा सर कि बीएसपी नंबर 2 पे आएगी, एसपी नंबर 2 पे आई है, बीएसपी तो डक पे आउट। देखिए, 2-3% वोट का फर्क है। चुनावी राजनीति में सीट की जो केमिस्ट्री जातिगत बनती है, वो कहीं ना कहीं अंत तक इसका अनुमान लगाना ठीक मगर कुल मिलकर सपा बसपा के वोट शेयरिंग में कोई बहुत फर्क नहीं। हम तस्वीरें देख रहे थे वडोदरा से, गांधीनगर से, अहमदनगर, अहमदाबाद से, दो नारे लग रहे थे, एक नरेंद्र मोदी का नारा था और दूसरा अमित शाह का नारा था। जनता सड़कों पे अमित शाह कर रही थी। आप बैकरूम बॉय हुआ करते थे, आज आप मैन ऑफ द मैच। चलिए, मैन ऑफ द मैच तो हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता है। देखिए राहुल जी, इस मैंडेट को आप इतनी सरलता से न लीजिए। पूरे देश भर में आजादी के इतिहास के बाद पहली बार एक नॉन कांग्रेसी पार्टी को, गैर कांग्रेसी दल को इतना बड़ा बहुमत मिला है और किसी गठबंधन को 84 के बाद इतना बड़ा बहुमत मिला है, तो मैं समझता हूं अपने आप में एक बड़ा भारी परिणाम है। और देश की जनता ने तय कर कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर एक मौका देना है और आने वाले दिनों में देश की दशा सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करे और स्पष्ट बहुमत के साथ काम करे और मोदी जी के हाथ मजबूत करे। इस आशय से मुझे लगता है कि मैंडेट मिला है और हमारे लिए तो खैर बहुत अच्छा है ही, मगर देश के लिए भी अच्छा है। चलिए खुल के तफसील से हमारे दर्शकों को बताइए कि ये चुनावी करिश्मा आपने गढ़ा कैसे, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश गए तब वहां पर बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, जो संगठन था, वो बड़ा कमजोर था, नेता नहीं था, चेहरा नहीं था, वर्कर आपका डिमोरलाइज था। आपकी 200 पेजों की नोटबुक है जिसमें आपने लिखा है कि कैसे आपने ये करिश्मा रचा। मैं चाहूंगा कि 200 पेज की इस नोटबुक से कुछ पेज आप पढ़ के सुनाएं और रिवील कीजिए कि ये आपने स्ट्रेटेजी मास्टरमाइंड कैसे की।
देखिए 200 पेजों की नोटबुक जाने दीजिए, मगर राहुल जी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ से वरिष्ठ कार्यकर्ता सब ने इस बार उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए मान लीजिए एक प्रकार से ठान लिया था, और इसके कारण सारा का सारा हमारा कैडर रोड पर था। हमने हर बूथों की रचना को जो पहले बनी हुई थी उसको भंग कर 76% बूथों की पुनर्रचना की, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं युवा को जोड़ने में, अन्य जातियों को जोड़ने में, ओबीसी को जोड़ने में और एक जन आंदोलन खड़ा करने में हमने सफलता पाई। मोदी जी की जो 8 रैलियां हुई उसमें भी हर बूथ से गांव के लोग आए, इसका प्रयास किया गया और हमें 70% से ज्यादा बूथों में सफलता मिली कि हर बूथ से 10 से ज्यादा लोग हम लेकर आए और मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट किया। हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल कोई था तो ये था कि यूपी में डार्क जोन बड़ा है, जहां ना टेलीविजन पहुंचता है, जहां ना अखबार पहुंचते हैं, वहां मोदी की बात को, मोदी के संदेश को, मोदी के वेव को पहुंचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। 450 गाड़ियों ने कंटिन्यूअसली 3 माह तक उत्तर प्रदेश के गांवों का भ्रमण किया, लगभग हर गांव में 1.8 टाइम मतलब 2 बार हर गांव में पहुंचे और हमारे कार्यकर्ताओं ने हर गांव में पर्चे बांटे, स्टिकर लगाए, बैनर लगाए और मोदी जी का संदेश एक 45 मिनट का हर गांव में जाकर सुनाया। ऐसा करके गांव की जनता का सीधा मोदी से कनेक्ट हमने करवाया था और डबल एंटी इनकम्बेंसी का भी हमें निश्चित रूप से फायदा मिला है। ये बताइए कि मोदी जी से आपकी बात हुई, मोदी जी ने आपको थैंक यू बोला कि नहीं? अमित शाह ने मोदी को क्या बोला और मोदी ने अमित शाह को क्या बोला? देखिए, ना मुझे थैंक यू की जरूरत है, ना मोदी को बोलने की जरूरत है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी अल्टीमेटली अंततोगत्वा देश के लिए काम करती है। ये कोई निजी बात नहीं है, मगर मुझे बहुत 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 आनंद है कि पार्टी ने एक बड़ी कठिन जिम्मेदारी मुझे दी थी और ईश्वर की कृपा से और उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के सहयोग से इसको मैं ठीक से निभा पाया और आज मेरी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा यश मिला है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की मेन स्ट्रीम में आने के कारण उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। 15 सालों से उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय दलों के हाथ में था और बिल्कुल कुशासन का अनुभव उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता को सुशासन क्या होता है इसका अनुभव बहुत जल्द ही होने वाला। पोस्ट मंडल जो पार्टीज थी, जो आइडेंटिटी बेस्ड पार्टीज हैं, जो जाति बेस्ड पार्टीज हैं, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव से एक मैसेज ये भी गया है कि शायद उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है? नहीं, निश्चित रूप से उल्टी गिनती शुरू हो नहीं गई, उल्टी गिनती शुरू होकर इस 3 महीनों में ही गिनती समाप्त हो गई। आप समझ सकते हैं, कभी कल्पना कर सकते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 0 सीट मिले? आप कल्पना कर सकते हैं? मुलायम सिंह को वही 5 सीटों पे फायदा हुआ है, मतलब जीत पाने की संभावना बनी है जहां उनके परिवार के लोग लड़ते थे। और मैंने चालू इलेक्शन में भी कहा था, जब इलेक्शन चल रहा था, कि वहां पर खूब बूट लूटे गए हैं। खैर, चुनाव में जब परिणाम आता है तो रोना धोना नहीं होता, मगर कांग्रेस भी वही 2 सीटें जीती है जहां गांधी परिवार लड़ता था। और पर आपने जी जान की ताकत लगा दी राहुल गांधी को हराने के लिए, हरा नहीं पाए एंड में, मिशन डिफीट राहुल आपका फेल हो गया इस बार। वो ठीक है, कभी कभार होता है, मगर हमारे कार्यकर्ता, अमेठी के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छा लड़े हैं। अमेठी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बेझिझक अभिनंदन देना चाहता हूं कि 3.5 लाख मत से जीती हुई सीट को आज एक बार तो कसमकस की स्थिति में ला दिया। खैर, उनकी परंपरागत सीट है और राहुल जी स्वयं बड़े नेता है, इसका एक फायदा उनके होना ही था। आपको लगता है कि वंशवाद पर सवाल खड़ा होता है इस मैंडेट से? हम अच्छा लड़े कि वंशवाद का वक्त हिंदुस्तान में खत्म हो गया आपके हिसाब से? ऐसा कहना तो जल्दबाजी होगी, मगर एक सवाल या निशान निश्चित लग गया है वंशवाद पर कि आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही चलेगा, ना वंशवाद चलेगा ना जातिवाद चलेगा। अच्छा, आपके कई कमजोर कड़ियों ने सेंचुरी मार दी, हैट्रिक ले ली, लेकिन एक आपका स्टार बैट्समैन था अरुण जेटली, वो बेचारा लुढ़क गया। सब इतने बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो खुद इतने बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आपको लगता है बड़ी गलती कर दी उनको पंजाब भेज के? चलिए, कई बार
पार्टी के फैसले जो होते हैं कार्यकर्ता स्वीकार करता है, स्वीकार कर अरुण जी गए, लड़ भी अच्छा, मगर जनता का फैसला तो डेमोक्रेसी में सबने स्वीकारना होता है। मगर मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, इससे ना भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ता है, ना अरुण जेटली की पॉलिटिकल करियर को फर्क पड़ता है। क्यों उनको पिछली दफा सर, पिछली दफा अच्छा बोलिए, सुनिए ना, हाँ बोलिए, पहले सुनिए ना, जेटली जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, है और रहेंगे। जेटली जी हमारे वरिष्ठ नेता है, इस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, पर आरएसएस ने वाजपेयी जी के वक्त पर जसवंत सिंह को वित्त मंत्री नहीं बनने दिया, प्रमोद महाजन को मंत्री नहीं बनने दिया, ये कहकर कि लोकसभा में हार गए, जो लोकसभा में जीते उन्हें बड़ा पद मिल सकता है, तो उस लॉजिक से अरुण जेटली का चांस तो गया। वो लॉजिक आप मत अप्लाई करिए, मेरी पार्टी पर छोड़ दीजिए। मैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नाते कहता हूं कि अरुण जी मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है और पूरे 5 साल तक यूपीए 2 के घोटालों को उजागर करने में सुषमा जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पार्लियामेंट के अंदर एक लड़ाई लड़ी है। अरुण जी का आने वाली सरकार में भी उपयोग है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी उनका शीर्ष स्थान को कोई हिला नहीं सकता। अच्छा, हमारे सहयोगी हैं जिनको आप लोग पोल पंडित कहते हैं, सवाल वो आपसे करना चाहते हैं, उन पे आप बड़ा वार करते रहते। पहले तो ये बताइए कि पोल पंडितों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इतना परहेज क्या है? सब कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले, परहेज फिर हर बार आप हमला कर देते हैं पोल पंडितों पे। हमारा तो डेस्क का नाम ही पोल पंडित है, हर बार वो कहते हैं, उनको दिल में लगती है कि हम तो पोल पंडित है, हम पे हर बार हमला हो जाता है। नहीं नहीं राहुल जी, अगर हेडलाइन टुडे और आज तक को पूरा जो देखते होंगे उनको मालूम होगा हमले हम कम करते हैं, आप लोग ज्यादा करते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे सहयोगी हैं पहले आलोक मेहता, नई दुनिया अखबार के संपादक, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं आलोक जी। अमित जी, जी आलोक जी, दो बातें जानना चाहूंगा, मतलब एक ए भी कह सकते हैं उसको। एक तो क्या जैसे संगठन और सरकार के बीच में पहले भी कोर कमेटी पिछली सरकार में थी, संघ के प्रतिनिधि अभी पार्टी के लिए प्रतिनिधि बनकर आते हैं, क्या नई सरकार बनने पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वैसे तो कहा जा रहा है कि आप और 3 लोग ही कोर कमेटी है, लेकिन कोई कोर कमेटी, चूंकि एक बड़ा संघ और कार्यकर्ताओं के नाम आपने लिया है जिनके बल पर सरकार बनी है, तो उनके बीच तालमेल कैसे होगा? बी में ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अयोध्या यात्रा में, सोमनाथ से अयोध्या यात्रा में एक बड़े सारथी की भूमिका अडवाणी जी के साथ निभाई थी और संघ का एजेंडा रहा था कि अयोध्या मथुरा काशी को मुक्त कराना है। अयोध्या में तो मंदिर बनाने की बात एजेंडे में कही गई, घोषणा पत्र में कही गई है, काशी को आपने जीत लिया है, मथुरा का क्या होगा? अयोध्या काशी मथुरा का जो संघ का एजेंडा है उसको आप, आपकी पार्टी, आपकी सरकार कैसे पूरा करेंगे? आलोक जी, हमारा एजेंडा हम पे छोड़ दीजिए, मुझे तो आपका एजेंडा समझ नहीं आता कि डेवलपमेंट के एजेंडा पर कोई सरकार चुनकर आ रही है और आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं बात को, चर्चा को। संघ का आपने नाम, मुझे तो आपका एजेंडा ही पहले समझ में नहीं आता। नहीं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम तो कह रहे संघ के कार्यकर्ता, संघ के जी ने आपको समर्थन दिया। ये मैं जानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के पास अपने 5 लाख कार्यकर्ताओं की सूची है कंप्यूटर में, उन्होंने पहले भी कह दिया था कि मुझे और कोई सहयोग न दे, हमारे कार्यकर्ता करेंगे। तो या तो आप ये कह दें कि भाई ठीक है, वो एजेंडा संघ का था, विश्व हिंदू परिषद का है तो बढ़िया जी का है, हम क्योंकि देश ये जानना चाहता है। राजनाथ सिंह जी ने भी आज जब धन्यवाद दिया तब अल्पसंख्यक शब्द नहीं दिया, आदिवासी बोला और समाज का नाम बोला, सारे समुदाय का नाम बोला, राज्यों का नाम बोला, अल्पसंख्यक पद से शब्द से परहेज करते हैं, कोई बात नहीं, आप भारतीय कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि देश और दुनिया जानना चाहेगी कि अमित शाह जी किस तरह सोचते हैं और तालमेल सरकार और संगठन में कैसे होगा। सरकार और संगठन में ठीक से तालमेल होगा, काम की पद्धति आने वाले दिनों में निश्चित तय होगी। और मैं मानता हूं आलोक जी कि आप, हेलो, आवाज आ रही है, बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं मानता हूँ आलोक जी कि आप जितनी चिंता कर रहे हैं उससे ज्यादा चिंता हम लोग भी तो करते होंगे सरकार चलाने की और संगठन चलाने की, आप वो हम पर छोड़ दीजिए। अभी तो हम लड़ाई के मैदान में थे, लड़ाई जीते हैं और आने वाले दिनों में सरकार बनने के बाद संगठन को भी अपनी बात पहुंचाने का किस तरह से माध्यम बनेगा वो भी तय हो जाएगा। नलिनी सिंह है एक और पोल पंडित, ये आपसे सवाल पूछना चाहती है। नलिनी जी, पहले तो मुबारक आपको अमित शाह जी, नलिनी सिंह बोल रही हूँ जी।
मुबारक हो आपको। धन्यवाद। अमित शाह जी, जब आप गए तो यही सब लोग बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा निर्जीव स्थिति में पड़ी हुई है पार्टी। तो अब आज अगर कहें कि कांग्रेस की वही स्थिति है, तो कांग्रेस को आप क्या सलाह देंगे? जरूर नसीहत देंगे, वो भी आपके तरह राजनीति में हैं, तो आप उनको ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। तो अगर आप राहुल गांधी आपके पास आते हैं पूछने के लिए कि किस तरह से जान फूके कांग्रेस में, तो आप क्या कहेंगे? 3-4 बातें बताइए ना। देखिए, मैं कांग्रेस को कोई सलाह देना नहीं चाहता। मेरा काम मेरी पार्टी चलाने है, मेरे संगठन को मजबूत करना है। नलिनी जी, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय दल के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने आप को जोड़ा है। लगभग 15-17 सालों के बाद इसका फायदा उत्तर प्रदेश और देश दोनों को होगा। फोन कट गया लगता। ठीक है, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी अच्युत जी बोलिए। आपने गुजरात के चुनाव में भी पहले बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब उत्तर प्रदेश में, दोनों में आपको क्या फर्क लगता है? देखिए, जहां तक गुजरात के चुनाव का सवाल है, पहले से गुजरात का चुनाव एक अलग प्रकार से लड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बात है कि मैंने मेरे जीवन में, राजकीय जीवन में, राजनीति में इतना समझ और दखल करने वाली जनता कभी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता राजनीति को ठीक से समझती है और उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता भी, हर पार्टी का कार्यकर्ता पॉलिटिकली बहुत लाइव है। अच्छा, अंजना कश्यप है, ये पोल पंडित तो नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि न्यूज ट्रेडर्स की श्रेणी में नहीं आती, ये सवाल पूछना चाहती है मेरी सहयोगी आज तक से। जी अच्छा अमित जी, आज चलिए अब आप मुस्कुरा रहे हैं। जी शुरू में वो डायलॉग याद आया कि आपको अब चुनाव से डर नहीं लगता, लाइव से डर लगता है, क्योंकि शुरू में आप बहुत ही गंभीर नजर आ रहे थे। मैं अंजना बोल रही हूँ सर, पहले भी आपसे मैंने ये सवाल पूछा है, आप हमेशा कहते थे 16 मई का इंतजार करो, तो अब तो 16 मई आ गया, अब कम से कम ईमानदारी से बता दीजिए, गुजरात के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री या फिर मंत्री पीएमओ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बीजेपी हमेशा कहती थी कि एनडीए को साथ लेकर चलना है, इसीलिए हमें राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 जो हमारे कोर मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, स्पष्ट बहुमत। क्या हम माने कि उन मुद्दों पर अब टाइमलाइन बाउंड तरीके से आप लोग काम करेंगे? पहला और दूसरा सवाल। देखिए, जहां तक पहले सवाल का जवाब है, मेरे बारे में हमेशा निर्णय मेरी पार्टी ने करा है और ये बात मैं बोलने की खातिर नहीं बोल रहा हूँ, गंभीरता से मानता भी हूँ और हर फैसला मेरा मेरी पार्टी ने करा है। आगे पर भी मेरी पार्टी जो फैसला करेगी उसके अनुसार मैं काम करूँगा। फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और संगठन की देखभाल कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के, और उससे मुझे बहुत संतोष है, एक बात। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है उसका घोषणा पत्र हमने ऑल देश की जनता के सामने रख दिया है और उसी घोषणा पत्र के आधार पर सरकार चलेगी। जी वीर सांगवी हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, नलिनी सिंह भी सवाल पूछना चाहती हैं। एक और नलिनी, एक छोटा सा सवाल और है अमित शाह जी। कहा यह जा रहा है कि आपने जब ये कहा कि बसपा बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर आएगी, तो आपने जानबूझ के किया क्योंकि आप लोग चाहते हैं जो दलित जो हृदय है उसको पीड़ा ना मिले, ताकि आपको बाद में उसका फायदा हो। तो क्या ऐसा था, आपने जानबूझ के थोड़ा बहुत ऐसा कह दिया जानते हुए कि सपा आगे है? चले नलिनी जी, कुछ बातों को राज रहने दीजिए, मेरी पार्टी के लिए फायदा होगा। जावेद अंसारी है, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जावेद साहब। अमित भाई, एक पहले तो बधाई हो। आप ये बताइए, ये यूपी की जनता को क्या गुरु मंत्र पिला दिया आपने जो इतना बड़ा चमत्कार हो गया? हमें ज्यादा रुचि है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं। मैं जानता हूं आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हैं। जी नहीं, कोई मंत्र नहीं पिलवाया, हमने सड़कों पे जाकर काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा को वाचा दी है, संघर्ष करने का काम 9 महीने तक किया है और जो एंटी इनकम्बेंसी थी
इसके खिलाफ एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, ये दोनों बनकर उभरे थे। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया। डॉक्टर अशोक लाहिरी हैं हमारे सेफोलॉजिस्ट, उन्होंने प्रिडिक्ट तो किया कि एनडीए जीतेगी, मार्जिन से थोड़ा रह गए, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अमित जी, पहले तो ये कहूँगा कि मैं बुद्धू निकला, आप जब कहे थे कि 60 मिलेगी, मैं आपको नहीं, नहीं, इन्होंने भी 50, 55, 60 तो हल्के में कहा था। 60 कहे थे, 60 में इनके भी आवाज में दम नहीं था, 50, 55 ही बोल रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि 60 हो जाएगा। राहुल, मुझे बरोबर याद है, लाहिरी जी भैरव के दर्शन करने जा रहे थे, उस वक्त मैंने 60 कहा था। अच्छा, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, हम जो पोलस्टर्स है जिसके खिलाफ सारे पॉलिटिकल पार्टीज कहते रहते हैं, ये तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी कहता है कि हम जीत रहे हैं। तो यूपी में कांग्रेस, मुलायम सिंह साहब का समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वो भी कह रहे थे जीत रहे थे, उनका क्या इंटरनल असेसमेंट में ये था कि बीजेपी का इतनी बहुमत, भारी बहुमत मिल रही है, क्या वो कह रहे थे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, वो ब्रेव फेस दे दिखा रहे थे, क्या उनको भी पता था? देखिए, पहले फेज से लेकर धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, जिस तरह से बसपा का और सपा का कैडर अदृश्य होता गया, कुछ सीटों पर सिमट कर रह गया, और कांग्रेस की भी कैडर कुल मिलाकर 7-8 सीटों पर सिमट कर रह गई, उससे तो लगता था कहीं ना कहीं इन पार्टियों को अंदाजा आ गया है कि इलेक्शन किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने पूरी अपनी ताकत को संजो कर कुछ लिमिटेड सीटों पर कंसंट्रेट कर लिया था, और मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि टैक्टिकल अलायंस जैसा भी हो गया था कि 35 सीटों पर 10 बसपा, 10 सपा और 2 कांग्रेस लड़ रही थी, बाकी सब अपने आप शांत बैठे थे। अच्छा, वॉशिंगटन से एक एक्सपर्ट आए हैं, सदानंद धूमे, अमेरिका से चुनावों का कंपैरिजन करते हैं, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव रखते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा जी, मैं सदानंद धूमे हूँ, मेरा एक आपसे एक प्रश्न है। हम कहते हैं कि जो इंडिया की जो राजनीति है, भारत की राजनीति, पहले तो लेफ्ट ऑफ सेंटर होती थी, और अब इस चुनाव के बाद शायद पहली बार राइट ऑफ सेंटर हो चुकी है, आप इससे सहमत हो? और अगर आप सहमत हो, इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या पड़ेगा भारत पे? देखिए, भारत एक बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है, यहाँ की जनता जो समय होता है इसके हिसाब से निर्णय करती है। मैं नहीं मानता कि एक चुनाव के फैसले राजनीति की दिशा हमेशा बदलते हैं, एक विशिष्ट प्रकार के संजोग के अधीन देश की जनता फैसला करती है। और मैं जब ये कह रहा हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है, तब मैं पूरी दुनिया में सबसे मैच्योर डेमोक्रेसी अगर कहीं पर है तो हिंदुस्तान में है, ऐसा मानता हूँ। सर, कुछ तो आपके मन में होगा, आप बड़े रूखे सूखे से जवाब दे रहे, इतनी बड़ी आपकी जीत हुई है, गुजरात का मुख्यमंत्री पद खाली पड़ा है, गृह मंत्री की तलाश है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तलाश है, बीजेपी को हो सकता है नए प्रेसिडेंट की जरूरत पड़े, कुछ तो आपके मन में भी ख्याल होंगे अमित शाह साहब, बता के जाइए, क्या कह रही है आपकी मुस्कान आज शाम? राहुल जी, मैं मेरे ख्याल मेरे पार्टी के नेताओं को भी नहीं कहता, क्योंकि मैं मेरे ख्याल कर मेरी पार्टी का निर्णय को प्रभावित करना नहीं चाहता, तो आपको कहां से कह दूंगा? पर यूपी का कमाल तो आपका है ना, आपकी झोली में जाएगा, यूपी में अमित शाह का जादू चला। ऐसा नहीं, नहीं, हकीकत है अमित शाह साहब, क्योंकि मोदी ने रैली की, आपने जमीन पर उसको मास्टरमाइंड किया, आपने जमीन पर उसको स्ट्रेटेजाइज किया, और ये खुद में इससे बड़ा कभी डॉक्टर लाहिरी चुनावी मिरेकल हुआ है? कभी 10 सीटों से 73 तक कोई पार्टी धनंजय कभी इस तरीके से जंप किए? कभी नहीं, इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। और इस प्रकार का जो है सीट कन्वर्जन भी कभी नहीं देखा कि 42% वोट पर 90% सीट। आपने तो सेफोलॉजी के सारे मॉडल फेल कर दिए, अब डॉक्टर लाहिरी और धनंजय को बैठ के कोई नया कन्वर्जन रेशियो खोजना होगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या हुआ करता था? 2 मल्टीप्लायर, नहीं, 2 तो कभी नहीं हुआ ही नहीं, पहले मल्टीप्लायर क्या 1.25, 1.3, 1.4। और मेरा एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल, यस धनंजय, और अमित जी, मेरा सवाल यह है कि चुनाव की रणनीति के अंदर आप अलग अलग गुरु मंत्र आपने लगाए होंगे, इस प्रकार का रिजल्ट आया है, तो एक स्तर पर ऊपर की हवा होती है चुनाव के अंदर, जैसे अब की बार मोदी सरकार हम जगह जगह सुनते रहे, और दूसरे स्तर पर एक बिल्कुल बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट होता है,
फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिस पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है कि ज़्यादा जोर एक पार्टी को अगर अपने आप को मजबूत करना है तो वो बूथ मैनेजमेंट पर होता है या फिर जो ऊपर की हवा होती है? समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका पोल फेल क्यों हो गया। जी बताइए शाहजा। चलिए मैं थोड़ा आपको बता ही देता हूँ। बताइए। यूपी में हमने त्रिस्तरीय रणनीति बनाई थी जी। एक तो मोदी वेव को जनरेट करना, डार्क जोन में भी मोदी वेव को पहुंचाना जी। और एंटी इनकम्बेंसी को मोदी वेव जनरेट करके 100% बीजेपी के खाते में जमा कर देना, एक हमारी स्ट्रेटेजी। इसको नीचे से 100% एनकैश करने के लिए हमने बूथों की रचना करी थी। लगभग 76% बूथ हमने नए बना लिए थे और बूथ में भी प्रोरेटा कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। और तीसरा, हर सीट की केमिस्ट्री को, मतलब वेव को मत में जनरेट करने का काम बूथ करता है और बूथ को सीट में कन्वर्ट करने का काम, मतलब मत को वोट को सीट में कन्वर्ट करने का काम हमारी क्लस्टर पॉलिसी ने किया। हमने 21 क्लस्टर बनाए थे। पहले उत्तर प्रदेश में चुनावी टिकट बटते थे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ब्राह्मण है, कितने ठाकुर है, कितने ओबीसी है, कितने दलित है, इसके हिसाब से बटते थे। हमने 21 क्लस्टर बनाकर हर क्लस्टर का एक समीकरण बनाकर टिकटों का बंटवारा किया था। इसके कारण हमें काफी एज मिली और सीटों में, वोट को सीटों में कन्वर्ट करने में हमें सफलता मिली। जहां तक धनंजय ये कह रहे हैं, आप समझ में आया मेरा पोल फेल हो गया जी? जहां तक मैं समझ रहा हूँ, आपकी रणनीति और आपके जो स्विंग है, जो वोट जो मेरे बढ़त है, वो आप इन 21 क्लस्टर्स को एक अलग अलग यूनिट्स की तरह देख रहे होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को एक यूनिट की तरह। अच्छा, अगली बार से पॉलिटिक्स को अमित शाह पहले बता देना तो पोल ही उस हिसाब से बनाते, दिक्कत नहीं होती है। I've got the answer. आप तो ट्रेड सीक्रेट बता दिए, अब तो दूसरे पार्टी भी यही करेंगे अगले चुनाव। नहीं, पर वो क्लस्टर बना, उस क्लस्टर को बनाने में बहुत दिमाग जाएगा। अच्छी बात है, स्पर्धा अच्छी होगी और हमें परफॉर्मेंस करने के लिए अच्छी दिशा में ले जाएगी स्पर्धा। एक दो सवाल है खत्म करने से पहले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शाह साहब। मैं पूछ लूंगा, आप भी पूछिए। सुषमा स्वराज जी का क्या होगा, आडवाणी जी का क्या होगा, मुरली मनोहर जोशी जी का क्या होगा? थोड़ा असमंजस की स्थिति है उनके बारे में, वो भी बताते जाइए। चलिए, ये तीनों चीजों के फैसले करने के लिए मैं बच्चा हूँ भैया। ये मेरी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और तीनों वरिष्ठ नेता खुद ही करेंगे। सर, आप भी जानते हैं कि ये बात सच्ची नहीं है। आप लोग फैसला पहले कर लेते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तो मोहर लगाती है फैसले पर। ऐसे नहीं होता राहुल जी, चलिए सार्वजनिक चर्चा नहीं होती इन सब चीजों की, वो पार्टी के फोरम की बात है। एक आखिरी सवाल जी, एक जी। मेरा सवाल है, अच्छा। आप यूपी का आपने कारभार संभाला है, आप लोग छोटे राज्यों के पक्ष में रहे हैं। यूपी असेंबली में दो बार ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि यूपी का विभाजन किया जाए, क्या आप इसमें कोई कदम उठाएंगे, इसमें पहल करेंगे? क्योंकि जहां से आप लोग, जहां आपको सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल हुई है पूर्वांचल में, वो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। नहीं, सब जगह पे कामयाबी मिली है ऐसा नहीं है, साथ ही तो 9 सीट मिले सामने वाले को, कहां की कामयाबी भाई। चल अमित जी, चलते चलते जी, आपने बंटवारा होगा यूपी का, क्या आप उसके पक्ष में है नहीं है, उसमें कुछ कोशिश करेंगे? नहीं, मैंने जब यूपी का प्रभार संभाला तब मैंने बंटवारे के लिए जो प्रस्ताव गया था उसका स्टडी किया था। मुझे लगा एक निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण वो प्रस्ताव भेजा गया था, ना स्थानीय लोगों से विचार विमर्श हुआ था, ना क्षेत्रीय लोगों से विचार विमर्श हुआ था, ना असेंबली में ठीक से विचार विमर्श हुआ था। इतने बड़े राज्य का बंटवारा इस तरह से नहीं होता है, इसकी प्रक्रिया होती है, वरना तेलंगाना की रचना की तरह के परिणाम आ सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि छोटे राज्य होने चाहिए, मगर इसके लिए पहले जैसे एनडीए सरकार ने किया था, छत्तीसगढ़ बनाते वक्त, झारखंड बनाते वक्त, उत्तराखंड बनाते वक्त, इस तरह की एक आम सहमति का वातावरण बनाना चाहिए और उसके बाद में ही निर्णय करना चाहिए। अंजना रिक्वेस्ट कर रही है एक छोटा सा सवाल उनका भी खत्म करने से पहले। अंजना फटाफट कीजिए, उनको बहुत लंबी लाइन लगी है, पटाखे भी खूब बज रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में आपकी क्या भूमिका होगी ये तो पार्टी ही तय करेगी, लेकिन चलिए मैं फिर एक बार सवाल पूछती हूँ और अब इस बार सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, बहुत सरल। दिल्ली का मौसम पसंद है अमित शाह को या अहमदाबाद का? देखिए, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं काम को एंजॉय कर रहा हूँ। अंजना जी, आपको भी कई बार मिला हूँ और राहुल से भी कई बार कॉफी पी है, दिल्ली मुझे पसंद है।
अच्छा ये बताइए, अच्छे दिन आने वाले हैं उनके जिन्होंने मोदी को वोट दिया, सबको चिंता हो रही है, बुरे दिन किसके आने वाले हैं अमित शाह साहब? मीडिया के, ये कह रहे हैं मीडिया के आलोक जी आएंगे। हाँ नहीं नहीं, बुरे दिन किसी के नहीं आएंगे, सबके लिए अच्छे दिन होंगे, क्योंकि देश के लिए अगर अच्छे दिन होंगे तो सबके लिए अच्छे दिन होंगे। चलिए अमित शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, दिस इज अमित शाह, द मैन ऑफ द मैच, द मैन ऑफ द मोमेंट इन उत्तर प्रदेश। ही स्क्रिप्टेड एन इलेक्टोरल मिरेकल ऑफ द शॉर्ट नो वन वुड हैव इमेजिन्ड वुड बी पॉसिबल, स्पीकिंग टू द इंडिया टुडे ग्रुप इन हिज फर्स्ट लाइव एक्सक्लूसिव television interview, the man himself giving some tips to Dhananjay on how he, maybe we should have had this chat with him before, yes, you did but it actually answers a lot of questions. Yes.